नमस्ते, मेरे शाहोजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया ना, ये एक पुलाव है, लेकिन ये छेना का पुलाव है। एकदम नया लग रहा है ना सुनने में? हाँ लगेगा ही तो, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल रेसिपी जैसा ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपी है। 7 सिंपल स्टेप में मैं दिखाऊंगी कैसे इसे बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप में चावल लिया, कोई भी फ्लेवर्ड चावल होने से ये अच्छा बनेगा। ये मैंने गोविंदभोग चावल लिया, इसे धो के भिंगो के छानली में छान के रखा। स्क्वायर करके काट के एक तो कैप्सिकम, गाजर और आलू को रखा और ग्रीन पी यानी मटर लिया। सेकंड स्टेप में आलू और गाजर सख्त सब्जी है, इसलिए इसको ब्लांच करके रखा। और थर्ड स्टेप में थोड़ा सा घी डाल के कढ़ाई में मटर को हल्का सा भून के उसके ऊपर कैप्सिकम को दे के थोड़ा सा नमक दे के भून के रखेंगे। थोड़ा सा ही भूनना पड़ेगा ताकि इसका हरा रंग एग्जिस्ट करे। और सब्जी में थोड़ा नमक देने से, भूनने से इसका स्वाद अच्छा बनता है। अभी आलू गाजर को भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर से थोड़ा सा घी देके फोर्थ स्टेप काजू बादाम और रेजिंग को थोड़ा सा घी में भून के रखेंगे। अब कुछ मसाला को इकट्ठा करते हैं फोड़न के लिए। 2 तेज पत्ता, दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, जायफल को और 1 बड़ा इलायची को घी में भूनेंगे। भून के वो जो पहले से भिंगो के रखा था जो चावल, इधर मैंने 2 चावल लिया, इसे अच्छे से इसको भूनेंगे। थोड़ा सा अदरक पेस्ट को चावल के ऊपर दे के भूनेंगे। पहले अगर तेल के ऊपर देते तो अदरक पेस्ट जल जाता। व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मरीच पाउडर दे के इसे वो फ्राई किए हुए आलू और गाजर को दे देंगे। ये सख्त सब्जी है इसलिए इसको चावल के अंदर ही भूनेंगे। नमक दिया स्वाद अनुसार, 2 शक्कर दिया। पुलाव में थोड़ा शक्कर देना जरूरी होता है। आप चाहे तो इसके बदले में बासमती चावल या कोई भी सुगंधी चावल से इसे बना सकते, लेकिन गोविंदभोग चावल मिलने से फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा कुसुम गरम पानी लिया, इसे दे देंगे। 2 चावल में 4 पानी चाहिए। अगर आप गोविंदभोग चावल से बनाते तो थोड़ा सा कम देना पड़ता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है किसी और चावल से। चूल्हा को चढ़ा के रखेंगे उबल आने तक। उबल आ गया, अभी चूल्हा को धीमी करके बीच बीच में चलाएंगे, फिर से ढक्कन दे देंगे। ऐसा करके चावल पकने तक इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। चावल पूरा पक गया, अभी वो फ्राई किए हुए शिमला मिर्च, मटर और काजू बादाम और किशमिश को
दे देंगे, दे के मिलाएंगे। शिमला मिर्च और मटर नरम सब्जी है, इसलिए इसे चावल पक जाने के बाद ही मिलाएंगे, नहीं तो इसका हरा रंग नहीं रहता, उसका स्वाद भी इसलिए अच्छा नहीं बनेगा। बंद कर दिया। अभी 6 स्टेप छेना को तैयार करेंगे। करने के बाद उसे पानी से धो के रखेंगे, क्योंकि छेना का खट्टापन चला जाता है, इसे छालनी में रख देंगे। 7 स्टेप और फाइनल स्टेप में एक ठो नॉन स्टिक पैन में मक्खन देके, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर देके मक्खन को साथ इसे भूनेंगे। भून के वो जो तैयार किए हुए छेना को भूनेंगे। अगर आप मक्खन नहीं देंगे इसके बदले में तेल देने से, थोड़ा सा नमक देना, इतना सा होगा तब चावल को मिलाएंगे। ज़्यादा भूनने से छेना सख्त हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सारे चावल को दे के छेना को साथ मिला के 2-3 मिनट इसको भून के बंद कर देंगे। देखा कितना सुंदर अलग तरीका से और एक पुलाव आपके लिए तैयार हो गया। बहुत स्वादिष्ट एक भेज पुलाव डिफरेंट स्वाद में आपको लिए तैयार हो गया। तो आप इसे बना के खाइए और खा के आपको कितना स्वादिष्ट लगा ये मेरे को जरूर बताना। मैं आप लोगों पे ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आप सबने मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हो।